ओम शांति ओम शांति। बैठ जाओ सरदार साहब। अमर रहे अमर रहे अमर रहे अमर रहे अमर रहे जिंदाबाद जिंदाबाद अमर रहे अमर रहे करेंगे मंजिल तक पहुंचाएंगे। सरदारों दिल्ली के चारों तरफ लगे हुए सभी बॉर्डरों पर जो किसानों के धरने चल रहे हैं उनमें से लगभग हमारे बहुत ही सम्मानित साथी 40 के आसपास हमारे किसान नेता अपनी जान गंवा चुके हैं और आपके आंदोलन को वो अपने जीवन के बहुमूल्य योगदान से आपको समर्पित कर चुके हैं। ऐसे त्यागी बलिदानी और शहीदों का जब तक ये किसान जिंदा रहेंगे आने वाली पीढ़ियां रहेंगी हमेशा इन किसानों का ये किसान ऋणी रहेगा। जो भी हमारे साथी हमारे बीच से शहीद हुए और इस इलाके में जब ये साथी 4 तारीख को आए थे उसके बाद ये लगभग यहाँ पर 15-16 दिन रहे फिर ये बीमार हो गए फिर ठीक हो गए फिर चले गए और उसके बाद कल इनका देहांत हो गया। तो मैं परमपिता परमात्मा से निवेदन करता हूँ कि मालिक आप इन साथियों को इनकी आत्मा को अपनी अपने आप में समेटे अपने चरणों में जगह दें और परम शांति इनको मिले ताकि ये जीवन में यदि कभी दोबारा इंसान बने तो भारत में आए और भारत में भी आए तो ग्वालियर में आए ग्वालियर में आए तो कभी किसानों के लिए दोबारा जरूरत पड़े तो ऐसे साथी हमेशा बलिदान के लिए तैयार होते रहेंगे। इनका बहुत बहुत शुक्रिया और इस मालिक से निवेदन करते हैं कि इसके परिवार को इनके मित्रों को रिश्तेदारों को इस महान क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। साथियों इससे बड़ा बलिदान दुनिया में कोई नहीं हो सकता जो व्यक्ति अपने जीवन को बलिदान दे देता है। हम सारे किसान जितने भी यहाँ बैठे हैं सदियों तक जब तक हम जिंदा रहेंगे आने वाली पीढ़ियां जिंदा रहेंगी इस चौक और इस बलिदान को भाई सुरेंद्र सिंह संधु जी के बलिदान को हमेशा याद रखेंगे। हम मैं कार्यक्रम की अनुमति लेते हुए